हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निबंध पढ़ेंगे मेरे जीवन का लक्ष्य। हर किसी के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है, इसीलिए विद्यार्थियों से ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। इस पर निबंध लिखो, पैराग्राफ लिखो या फिर कुछ लाइन्स लिखो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज। यस फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश में स्टोरीज। स्टोरीज पढ़ना किसे पसंद नहीं है, बच्चे हों या बड़े, हम अपने फ्री टाइम में स्टोरीज को पढ़कर एंजॉय करते हैं। उसमें हर तरह की स्टोरीज हैं। काइंडली विजिट टू माई दैट वेबसाइट टू, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। सो लेट्स वी स्टार्ट टू रीड द एसे ऑन मेरे जीवन का लक्ष्य। आओ पढ़ें। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहते हैं। प्रत्येक माता पिता की रुचि होती है कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बने, जिससे उनका नाम रोशन हो सके। पर प्रत्येक बच्चे की भी अपनी रुचि और लक्ष्य होता है। जैसे मेरा लक्ष्य है कि मैं बड़ी होकर अध्यापिका बनूंगी। मेरे अनुसार अध्यापिका पद बहुत आदरणीय है। मैं अपनी अध्यापक और अध्यापिकाओं से बहुत प्रभावित हूँ। वे खुद तो सम्मानपूर्वक जीते ही हैं, साथ ही दूसरों की जिंदगी भी आदरणीय बना देते हैं। अध्यापक का जीवन महान है। वह सादा जीवन व उच्च विचार रखते हैं। समाज में उनका स्थान बहुत आदरणीय होता है। वे अपना सारा जीवन दूसरों का जीवन सुधारने में लगा देते हैं। मुझे खुद सादगी का जीवन बहुत पसंद है, इसलिए मैं अध्यापिका ही बनना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। बाय।